वेलकम बैक टू माय ट्यूशन पेपर हैकर। और मैं सूरज राज आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र 2022 का पेपर देने वाला है और वो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से है, मतलब कह सकते हैं वो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से है। तो उनके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ कि 2022 में आपको क्या क्या पढ़ना है। और देखो आपके पेपर हाल ही में स्टार्टिंग होने वाले हैं, ये आपको सबको पता है, ठीक है। तो 25 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्टिंग है, तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पेपर हैकर को अभी आप सब्सक्राइब कर लिए। सारे के सारे जितने पेपर आपके हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर, और चाहे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो 2022 में आपके आने वाले हैं। मैं जो आप क्वेश्चन बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस ला सकते हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 2022 के टॉपर बनेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो आप ध्यान से देखेंगे जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ देख लीजिए, ये सेकंड ईयर है, यदि आप बीएससी सेकंड ईयर में, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर लेके आए और केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में हम ये देखेंगे जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो याद रखना आपको क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आपने क्वेश्चन बैंक सिलेबस वगैरह जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको सिलेबस नहीं से देखना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ बस वो ध्यान देना है। आपको क्या करना है, आपके पास गैस पेपर होगा, नोट्स होगा, जो आप सीरीज वगैरह मार्केट से लेके आए उसमें आप टिक लगा लेना है, ठीक है। यदि आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, या फिर आप क्रोम चलाते हैं या फिर गूगल चलाते हैं तो उस पर आप सर्च करिए paperhacker.in, वहां आप सर्च करेंगे तो एक हमारी साइट खुल जाएगी, ठीक है। और वहां आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। वहां बीएड के बुक वगैरह जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में देने वाले हो, बीएड का कोई भाई बहन आपका देने वाला है, हाई स्कूल के नोट्स वगैरह का, ठीक है, सारे हमने सब कुछ दे रखा है। यूपी की आल यूनिवर्सिटी पर आप टच करेंगे तो नोट्स वहां आपको देखने को मिलेगा कि भाई यूपी की आल यूनिवर्सिटी में क्या, कब हमारा रिजल्ट निकल रहा है, कब क्या है, वो सब कुछ वहां देख सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को टच करने के बाद में। मतलब हमने ये सब कुछ किया है सिर्फ आपके लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग। और एक मेरा दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ, ओके। वो न्यू चैनल है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो शूट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो वो आपको वहां मिलेंगे देखने के लिए। तो प्लीज यार उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, कोई इशू नहीं है। अब यहां बात करने वाले हैं, इतना तो यार एक एक आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफी है, बस आप फटाक से उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लिंक सबसे ऊपर दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज कर लीजिए। अब यहाँ बात करने वाले हैं, देखो यहाँ बोला गया है कॉपर परिवार। अब देखो कॉपर परिवार के एलिमेंट, जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जैसे कॉपर परिवार के एलिमेंट तीन देखने को मिलेंगे, एक तो कॉपर मिलेगा, दूसरा सिल्वर मिलेगा, तीसरा गोल्ड मिलेगा। इन तीनों के बारे में पूछता है कि जो आवर्त सारणी है उसमें जो हम जिसको दूसरी भाषा में पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं, ये जो है वो उसकी स्थिति पूछ लेता है कि कॉपर सिल्वर गोल्ड की स्थिति कैसी है, वो कहां पर क्यों मेंशन किया गया, ये पूछ लेता है आपसे। तो कॉपर परिवार के एलिमेंटों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ओके। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फालतू कुछ नहीं बताने वाला, जो रटना है आपको उनको बता रहा हूं। अब देखो उसके बाद में एक दो क्वेश्चन आपको जो लगता है आपके हिसाब से लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और सर ने शायद मुझे नहीं बताया, तो आपका दिल करता है तो उसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं इन क्वेश्चनों को रट के जाना। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 3D संकरण श्रेणी गुणधर्म के आधार पर 4D और 5D श्रेणी तत्वों से करने के लिए बोलता है। देखो 3D, 4D और 5D ये श्रेणी के एलिमेंटों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि 3D संकरण श्रेणी के जो एलिमेंट होते हैं वो 4D और 5D श्रेणी तत्व से किस तरीके से भिन्न होते हैं, किस तरीके से ये अपने गुणधर्म के आधार पर तुलना करनी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करके जाएंगे। और यदि आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लेते हैं ना, नोट्स को, तो आप यकीन करिए इनको जो 3D संकरण श्रेणी है, तो इसकी मैंने ट्रिक बना के डाल रखी है, ट्रिक कि कैसे इनको याद करते हैं इन एलिमेंटों को, ठीक है। लिख ऐसे कुछ मंजन करता है ऐसे करो, बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक बना रखी है, आप देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि मैंने यार बहुत दिन पहले इसको यूज किया था, खुद जब मैं था बीएससी में मैंने खुद की थी तब मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया था। और उसके बाद में मैंने सोचा कि आपका जो पेपर है तो अगले में मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सके नोट्स बनाता रहा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और वही मैंने नोट्स अपने प्रोवाइड कराए, आपको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, paperhacker.in पर जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा। अब देखो उसके बाद में आपको देखेंगे संकुल यौगिक क्या होते हैं, एक आपसे पूछेगा कि संकुल क्या होते हैं, एक पूछेगा कि संकुल यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, दो तरीके से होगा, बात वही होगा, कंप्लेक्स कंपाउंड पूछ लेगा या फिर आपको कंप्लेक्स क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके बुक में टिक लगा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विअंगी यौगिक किसे कहते हैं आप इसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे और नीचे आता है
क्लेट योगिक क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट आता है क्लेट योगिक के बारे में, इसको इसके महत्व के बारे में पूछ लेता है। और ये कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं वर्नर के उपसंयोजक सिद्धांत के बारे में। यदि मान लीजिए अनजाने में आपके क्वेश्चन बैंक में ये एकाध क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं है तो उसको छोड़ देना, कोई बात नहीं, मत पढ़ना, टिक नहीं लगाना। लेकिन जो लगा जो जो मिल रहा है क्वेश्चन आपके बुक नोट्स गैस पेपर में, बस उसको पढ़ना है ध्यान से। और आपका जो दिल करता है एक दो क्वेश्चन पढ़ने का वो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो नॉलेज बहुत जरूरी होती है थोड़ा। अब मान लीजिए मान लो आपने पढ़ भी लिया, एक बार पढ़ भी लोगे ना तो बना बना के कराओगे, मतलब किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन याद हो या ना हो बना बना के करके आना, लेकिन करके आना, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में आप ये देख लेना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उनकी सीमाएं उदाहरण सहित, मतलब कि जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम बीबीटी थ्योरी भी बोलते हैं, इसके लिमिटेशन के बारे में, और लेंथेनाइट संकुचन क्या होते हैं, उनके कारण प्रभावों के बारे में याद कर लेना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद में आप याद करेंगे, देखो मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। उसके बाद में आता है आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या तो जानते होंगे आप, जिसे हम आयनिक रेडियल भी बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद में देखो कौन सा पढ़ना है, ध्यान से देखना मेरी बात को। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है एंटीनाइड एलिमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में इसको सारे जो छोड़ रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में इसको छोड़ देना है, बाकी जो मैं आपको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ बस उतना ध्यान से पढ़ के जाना। उसके बाद में IUPAC नाम पूछ लेता है आपसे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये विद्युत रासायनिक जो सरणी आप देख रहे हैं इसके लिए भी मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक से याद कराया है हमारे नोट्स में, तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नोट्स को डाउनलोड कर लो ताकि आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं ना वो याद हो जाए हमेशा के लिए। उसके बाद में आता है संकुलन का निर्माण कैसे होता है, तो मैंने बताया ना कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कह सकते हैं कम्प्लेक्स जो मैंने बताया था संयुग्मन, जिसे भी देखो कम्प्लेक्स, ठीक है ना, कम्प्लेक्स संकुल जिसे बोलते हैं, संकुल का निर्माण कैसे होता है, संकुल होता क्या, ये आप देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखो ये वाला, ये क्वेश्चन भाई ये ऊपर याद कर लोगे, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ है रिडॉक्स विभव, देखो बहुत ज्यादा रिडॉक्स विभव का उपयोग कैसे किया जाता है, और अब आप जानते हैं मानक हाइड्रो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा बनता है क्वेश्चन, शॉर्ट में बनेगा आपसे। अम्ल क्षार के लुईस सिद्धांत का वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में पूछता है आपसे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, आपको पता है लगभग 14 से 15 क्वेश्चन बनेंगे पेपर में आपके, और अच्छे तरीके से आपको करके आना है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है अपक्षेपण अभिक्रिया के बारे में याद कर लेना, अपक्षेपण अभिक्रिया अम्ल क्षार अभिक्रिया के बारे में याद कर लेना, जो बता रहा हूँ वही पढ़ना है, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, फालतू चीज मत देखिएगा, जो बता रहा हूँ भाई आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद में लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के बारे में याद कर लेना, लिगेंड होते क्या है, ठीक है। और देखो संकर धातु संकुल यौगिक कैसे निर्माण करते हैं, यहाँ बोला गया है तो आप देख लीजिए कैसे निर्माण करता है संकर धातु संकुल यौगिक का, कैसे कम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं उसका निर्माण कैसे होता है। और एक क्वेश्चन इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि CU2 के यौगिक प्रिया रंगीन होते हैं जबकि ZN2 के यौगिक सफेद, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ZN2 यहाँ लगाओ, कुछ और भी दे सकता है, तो आपके गैस पेपर में जो भी दे रखा हो या ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि यौगिक रंगीन है और दूसरा सफेद, तो उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे और ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये वाला ध्यान से देख लेना, ये वाला मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, जिसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और ये आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलो नीचे हम याद करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसे आपसे पूछ लेता है कि त्रिवेवियम संवेता किसे कहते हैं, जलीय संवेता किसे कहते हैं और प्रकाशीय संवेता किसे कहते हैं, ये और संवेता के बारे में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, याद कर लेना, ये आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। उसके बाद में आता है अम्ल क्षार के, अम्ल क्षार की जो अर्हिन नियम था उसकी अवधारणा उनकी सफलता सीमाओं के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और आप देखेंगे अब देखो यह करना ब्रॉन्स जो टेल लॉरी सिद्धांत था, इस सिद्धांत के बारे में पढ़ के जाना है, एक बार पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है ना, पढ़ के जरूर जाना है जो बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना मेरी बात को बहुत ज्यादा। और ये देखो आता है ना लेक्स फुल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में, इसको आप पढ़ के जाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा और इसको छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी लास्ट में बस एक क्वेश्चन दूंगा, वो ये क्वेश्चन, बाकी मैं सब छुड़वा रखा हूँ, देखो जो छुड़वा दिया है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराए हैं इसमें, तो इतना तो आप पढ़ ही जाओगे मुझे पता है। यदि आप देखो टॉप करना चाहते हो ना तो पढ़ के जाइएगा, मैं बता रहा हूँ, रट के जाइएगा इन क्वेश्चनों को। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संज्ञा दी जाएगी इसको। अब यहाँ बोला गया है कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक तत्व होते हैं, उनको हम संकरण
संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, चुंबकीय गुण के बारे में, और या फिर संक्रणी यौगिक बनाने की विधि के बारे में, ये आपसे तीन पॉइंट यहाँ से पूछता है। इन तीनों पॉइंटों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चन जो आपको मैंने दिए हैं ये 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर पढ़ के जाना जो भी अवध यूनिवर्सिटी से छात्र है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना है। और मैं आपसे वादा करता हूँ इन क्वेश्चनों को याद करके आप टॉप करने वाले हो 2022 के एग्जाम में, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप अपने तरफ से तैयार करें तो जरूर कर लेना। और हाँ, एक दूसरा जो चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है खिलाड़ी भैया XYZ का, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।